दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं ट्रैवल के समय पे पैक करती हूँ। सो हम लोग शुरुआत करते हैं बेड को क्लीन करने से। बेड को क्लीन करने के बाद उस पर मैं सारी चीज़ें लेयर कर देती हूँ, कैटेगराइज करके कि कौन सी चीज़ें मुझे लेके जानी है। हिम्मत की पैकिंग भी मैं ही करती हूँ एंड हस्बैंड की भी। सो मैंने सबसे पहले तो मैंने लिस्ट बना ली है। आपको पता है कि मैं वर्क हूँ तो लिस्टों की तो मैं टेरियाँ बना देती हूँ जब मुझे पता होता है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। सो और लिस्ट में मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ हो ताकि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ। सो आउटफिट्स को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं कौन से आउटफिट पहनना चाहती हूँ, उनको पहन के मैं देख लेती हूँ कि कहीं पे फिक्स करने वाला तो नहीं है। अगर मुझे कुछ भी उसके साथ करना हो तो मैं कर सकती हूँ। पर एनीवे मैं सुई तक गन नाल भी लेके जाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ। सो सबसे पहला काम मैं कर लेती हूँ कि बेड पे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ लेयर्स में। इनको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे, हिम्मत के कपड़े, मेरे एंड हस्बैंड के। सो शर्ट्स और जो बॉटम होने वाले हैं, स्विम सूट्स एंड फॉर्मल शर्ट्स, तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह तय करके ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे अलग अलग कैटेगरीज। तो मेरा अगला काम होता है कि आउटफिट्स को पहन के सोचना कि सही लग रहे हैं या नहीं, लाइक स्टाइल करना किसी के साथ मैं क्या पहन सकती हूँ। उस इस तरह मैं कैटेगराइज कर लूँगी एंड एक्सेसरीज ढूँढूँगी क्या अच्छी लगेंगी। वैसे आउटफिट्स को करने के बाद मैं सोच लेती हूँ कि मैं कैसे फुटवेयर पहनना चाहती हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें कैरी नहीं करना चाहती हूँ, कम से कम चीज़ें रखना चाहती हूँ। तो मैं एक फ्लैट लेती हूँ, एक मैं शूज़ पहन के जाऊँगी, एक थोड़ा सा फैंसी कोई फुटवेयर जो मैं ड्रेसेस के साथ पहन पाऊँ। और उसके बाद मैं ज्वेलरी कैटेगराइज कर लेती हूँ कि कौन सी ज्वेलरी कौन से आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पहनती हूँ। तो ज़्यादातर मैं गोल्ड ही पहनने वाली हूँ, गोल्ड चीज़ें तो मैंने रख ली हैं, पर एक दो इस बार मैंने कलर वाली भी रखी हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक आए। ओके, यूजली मैं क्या करती हूँ कि ज्वेलरी को मैं ऐसे ही किसी बैग में फेंक देती हूँ, पर उसके बाद क्या होता है कि जो नेकलेसेस हैं वो टैंगल हो जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है आपको भाग के जाना है एंड उसको डिटैंगल करते रहो। तो इस बार मैंने ये प्यारा सा ज्वेलरी बैग लिया है जिसमें नेकलेसेस ऐसे हैंग कर सकते हैं आप एंड बहुत ही टाइनी सा है। सो इसमें ये कंपार्टमेंट है जिसमें इयररिंग्स डाल सकते हैं, देन रिंग्स एंड अदर इयररिंग्स। सो इस तरह मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है पैक, ऑर्गेनाइज, नाइस। ज्वेलरी का ऐसे है कि आप फंकी ज्वेलरी भी वेकेशन पे पहन सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। एंड आप कैसा भी बेसिक सा आउटफिट पहने और अगर उसके साथ आप नेक पीस पहन लें, रिंग्स पहन लें, इयररिंग्स पहन लें तो वो उसको एलिवेट कर देता है। तो ज्वेलरी को पैक करना बिल्कुल मत भूलें, बहुत अच्छा लगेगा आपका कोई सा भी आउटफिट। सो इस तरह हमारी ज्वेलरी होगी पैक, आउटफिट्स हमारे तैयार हो गए, कपड़े हो गए। और पर्स कैसा लेके जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हम बीच वेकेशन पे जा रहे हैं तो एक बीच बैग लेके जाऊँगी मैं। इसमें ऐसी कुछ आलतू फालतू चीज़ें डाल के जब हम लाइक पूल पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना बैग, जिसमें आप छोटा सा टावल रख सकते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम रख सकते हैं, कवर अप रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं, बैटरीज। सो एक तो ये बैग लेके जाऊंगी मैं, एक मैं रेगुलर बैग लेके जाऊंगी जो मैं एयरपोर्ट पे कैरी करूंगी, और एक मैं कुछ ऐसा ट्रैवल फ्रेंडली बैग लेना चाहती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा चीज़ें उठानी नहीं पड़े, क्योंकि मैं तीन चार चीज़ें हमेशा अपने साथ रखती हूँ, लाइक थोड़े पैसे, कैमरा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मुझे लग रहा है ये पिद्दी सा ठीक रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती हूँ, तो ये तीन ही बहुत है, या फिर एक फैंसी थोड़ा। सो मेकअप को पैक करने के लिए इस बार मैं ये वाला बैग लेके जाने वाली हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा बैग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मुझे लेके जानी नहीं है। यूजली मैं अदर मेकअप बैग में पैक करती हूँ एंड देन फिर मेकअप ब्रशेज मुझे अलग से पैक करने पड़ते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वाटरप्रूफ है, क्योंकि आपको वॉशरूम के काउंटर पे रखना पड़ता है तो गीला हो जाता है, तो ये वाटरप्रूफ है एंड मेरा फेवरेट कलर भी है। और मुझे लगता है कि इसमें इनफ स्पेस है चीज़ें डालने के लिए। आई विल शो यू, एक एक ही चीज़ लेके जाती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आप अपना मेकअप चेकअप सारा कुछ डाल लें एंड देन इसको उठाएं एंड यहाँ पे आप मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि मेकअप ब्रशेस गंदे हैं तो होते हैं तो पीछे ये अच्छी तरह साफ़ हो सकता है एंड कवर भी हो जाएगा ताकि इधर उधर नहीं लगे। एंड यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपनी पैलेट्स डाल सकते हैं या कुछ भी। सो मेकअप के लिए पूरा अच्छी तरह एक ही इनफ होगा। सो लेट मी डिसाइड कि कौन सा मेकअप लेके जाऊँ मैं। सबसे पहले मैं रखने वाली हूँ सनस्क्रीन, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, प्राइमर। सो ये है जितना मैं मेकअप लेके जाना चाहती हूँ और मेरे पास काफ़ी स्पेस अभी बाकी भी है।
सो अच्छा बैग है ये। सो यहाँ पे मैंने ब्रशेस रख लिए हैं जितने की मुझे ज़रूरत है, आलतू फालतू नहीं। और ये एक फेस रेज़र भी रखा है मैंने, और इसमें आप चीज़ें इंसर्ट भी कर सकते हैं करना चाहें तो। सो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं लेके जा रही हूँ ये नार्स वाला फाउंडेशन, एंड ऑल्सो फोटो फोकस फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड कंसीलर मेरे पास दो हैं, एक तो डार्ट का शेप टेप एंड निक्स कंसीलर, सेटिंग पाउडर सेफोरा का सेटिंग पाउडर है ये, एंड ऑल्सो ये बनाना पाउडर मेकअप को सेट करने के लिए। ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बट या इतना ही है मेरे पास लेके जाने के लिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी फॉर 10-15 डेज के बाद। मेरी लिस्ट है टॉयलेटरीज, वैसे तो वो ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लेके जाती हूँ। देन मेरी स्किन केयर, देन मतलब सारी फैमिली की स्किन केयर, सारी फैमिली की टॉयलेटरीज। सो टॉयलेटरी की लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीज़ें आप रूटीन में यूज़ करते हैं। बिगिन करें क्लिंजर के साथ कि क्लीन करने के बाद आप क्या लगाएंगे, और शैम्पू करके कंडीशनर यूज़ करते हैं। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं होती है ऐसे रिजॉर्ट में, क्योंकि वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जब कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमारे बाल अजीब से दिखने शुरू हो जाते हैं बालों के लिए या स्किन के लिए। सो आपको अपनी बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप अपने ही प्रोडक्ट्स लेके जाएं। सो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि क्लीन करने के बाद मैं टोन करूँगी, मॉइस्चराइज़ करूँगी, कौन सा सीरम यूज़ करूँगी, SPF एंड शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, ऐसे ऐसे लिस्ट बना के। अगर मेरा कंटेनर छोटा है ओरिजिनल तो उसे ले लेंगे, अदरवाइज़ मैं उन्हें छोटे छोटे में पैक करके उसे इस बहुत ही प्यारे से टॉयलेटरी बैग पे डाल रही हूँ जो मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। और इसकी खासियत ये है कि ये चार कंपार्टमेंट है और इस पर हुक लगी हुई है, किसी भी वॉशरूम में जाके हुक के साथ टांग दें एंड यू आर गुड टू गो यूज़ करने के लिए। एंड मेडिकेशन का एक अलग से मैं बॉक्स बना लेती हूँ जिसमें हम सारी मेडिकेशन ऐड कर लेंगे। एंड देन व्हाट एल्स, अभी मेरी लिस्ट मेरे पास नहीं है, लिस्ट ले लेके घूम रही हूँ मैं सारे घर में। बिकॉज ये बीच वेकेशन है तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लेके जाना चाहती हूँ, और उसके लिए कवर अप भी, एंड इसी तरह हस्बैंड एंड हिम्मत के लिए भी हैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार मैंने हैट खरीदी है, बहुत ही कम स्पेस लेगी, ऐसी है ये, अगर आप इसको खोल लेंगे तो फिर ये हैट बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती है जो कम से कम स्पेस लें ट्रैवल के समय पे। सो यस, इससे मेरा चेहरा पूरी तरह कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं तो मुझे सूरज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो हैट तो मैं नॉर्मल यहाँ पे भी पहन के रखती हूँ, और जब आपको धूप में बहुत ज़्यादा बैठना हो तो ज़रूर से पहने हैट। और ये हैट मैंने अमेज़ॉन से ली है, एंड वैसे मेरे पास और हैट्स भी हैं पर मैं काले रंग की फ़ैन हूँ, एंड ये मुझे लगा कि काफ़ी कम जगह घेरेगी तो इससे मैंने ले लिया है। सो इस तरह मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, प्लान कर ली हैं कि क्या क्या हम पहन सकते हैं, क्या क्या हम लेके जा सकते हैं। सो अब पैकिंग की बारी आएगी, और पैक कैसे करती हूँ मैं वो भी आपको बता दूँ। ओके, सो मेरे पास ये ट्रैवल बैग्स हैं काफ़ी सारे, इनमें मैं ये सारी चीज़ें पैक कर लूँगी ऑर्गेनाइज तरीके से, बट हम स्टार्ट करेंगे छोटी चीज़ों से। सो अब ये प्यारे से छोटे छोटे बैग्स हैं, इनमें मैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। इन पे लेबल्स नहीं है, सो मैं लेबल लिख के उसके ऊपर लगा देती हूँ कि इसमें क्या है। लाइक नाइट वेयर्स हैं वो सारे इकट्ठे जाएंगे, इनर्स हैं, हिम्मत के कपड़े हैं, मेरे हैं, हस्बैंड के। सो इससे क्या होता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपका बैग पैक होता है, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आजकल आपको लेबल वाला भी ये बैग मिल सकते हैं टाइनी से। मैं रिसीट्स पे लिख के इसमें अंदर इंसर्ट कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने किसमें क्या क्या डाला है। सो इससे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मेरा सामान रहता है, एंड या आसानी होती है मुझे वेकेशन पे चीज़ों को ढूंढने में। सो इस तरह मैंने इन सारी चीज़ों को बैग में डाल दिया। देखिए कितना क्लीन लग रहा है और कितना ऑर्गेनाइज है, ऐसे बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है आपके बैग में, अदरवाइज बहुत ही जल्दी आपका बैग भर भी जाता है। I'm not afraid to die.
ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं एंड सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो अगर आप देख रहे हैं कि मैं पैक कर रही हूँ तो मैं वेकेशन पे जाने वाली हूँ, तो मेरे वेकेशन की वीडियोज़ के लिए भी क्लिक ज़रूर करना सब्सक्राइब को और नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन पे टिंग टॉन्ग हो जाए। मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। आई लव यू।